क्या सोच रहे हो टुनाटुन? कुछ तो सोच रहा हूँ। वही तो पूछ रहे हैं हम, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ गंभीर सोच रहा हूँ मृंगी जी। टुनाटुन, क्या गंभीर बात सोच रहे हो? वही समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जो समझने का प्रयत्न कर रहे हो टुनाटुन, वही कह दो। वही तो समझ में नहीं आ रहा। टुनाटुन, सीधे सीधे कहो क्या सोच रहे हो। क्षमा बाल गणेश, परंतु मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय क्या होगा। उस समय से तुम्हारा क्या अर्थ है टुनाटुन? अर्थ ये है बाल गणेश कि जिससे मेरा विवाह होगा, यदि उसे मेरा ठूस ठूस के खाना खाना अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि तेज है टुनाटुन, परंतु इस आयु में विवाह का सोचकर चिंतित होना सही नहीं है। चिंता का विषय तो भविष्य में होने वाली तुम्हारी पत्नी का है। संकट तो उसके जीवन पर है। देखा आपने बाल गणेश, इन लोगों को तो मेरी हंसी उड़ाने का अवसर मिलना चाहिए। बस जाइए, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा। गुस्सा मत करो टुनाटुन। अच्छा सुनो, यदि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊँ जिससे तुम्हारी ये चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाए तो? पहले आप बात बताइए, सुन के सोचूंगा कि गुस्सा छोड़ूं या पकड़े रहूं। मैं तुम्हें एक ऐसी पूजा के बारे में बताऊंगा जिसे तुम्हारी भविष्य में होने वाली पत्नी करेगी तो तुम उसके लिए सुयोग्य वर बन जाओगे। पूजा उसकी, काम तुम्हारा। कहो कैसी रही? ये तो बहुत अच्छी रही बाल गणेश। कौन सी पूजा है? माँ मंगला गौरी पूजा। यदि कोई अविवाहित कन्या इस पूजा को पूरे विधि विधान से करती है तो उसे सुयोग्य जीवन साथी ही मिलता है। माँ मंगला गौरी के बारे में विस्तार से बताइए ना बाल गणेश। माँ मंगला गौरी कोई और नहीं बल्कि माँ पार्वती का ही एक रूप है। ये पूजा मंगलवार को होने के कारण इसे मंगला गौरी पूजा कहते हैं। ये पूजा सावन माह के प्रथम मंगलवार से आरंभ होती है और निरंतर 4 या 5 वर्षों तक सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखकर की जाती है। इसके बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन? ये उद्यापन क्या होता है बाल गणेश? मनोकामना लेकर की जाने वाली पूजा और व्रत की संख्या जब पूर्ण हो जाती है तब ब्राह्मणों को, कुवारी कन्याओं को और विधि अनुसार सुहागनों को भोजन, दान एवं उपहार देकर जब पूजा संपूर्ण होती है उसे ही उद्यापन कहते हैं। इस पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है बाल गणेश? माँ मंगला गौरी के पूजन की सामग्री में मेरी छोटी मूर्ति, पवित्र साफ मिट्टी, चौकी, सफेद और लाल कपड़ा, तांबे का लोटा, जल का कलश, दूध, गंगा जल, आभूषण, श्रृंगार की वस्तुएं, चावल, गेहूं, कुमकुम, मूली, रोली, हल्दी के अलावा मिट्टी और आटे का बना 4 मुखी दीपक, घी, रुई की 16 बाती, 16 अगरबत्ती, अष्टगंधा, फूल, फूलमाला, प्रसाद के लिए फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, पंचपात्र, सूखे मेवे, शक्कर, पान के पत्ते, आम के पत्ते, चीनी, आसन एवं दक्षिणा के रूप में 1 सिक्का। विधि पूर्वक इस पूजा को कैसे किया जाता है बाल गणेश? प्रातः काल स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पूजा करने वाली कन्या को पूजा में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। एक चौकी के आधे भाग पर सफेद कपड़ा और आधे भाग पर लाल कपड़ा रखकर
सफेद हिस्से पर नवग्रह मंडल और लाल हिस्से पर चावल की 16 ढेरियां बनानी चाहिए। ये नवग्रह मंडल और 16 ढेरियां माता का स्वरूप होता है, जिन्हें मातृकाएं कहा जाता है। इन 16 मातृकाओं में 15 मातृकाएं देवी स्वरूप और 16वीं मातृका कुल देवी कहलाती है। वही एक पान के पत्ते पर चावल से स्वस्तिक बनाकर उस पर मेरी प्रतिमा स्थापित करके फिर वहां पान के 5 पत्ते रखे और साथ ही जल से भरे कलश में 5 आम के पत्तों के ऊपर एक नारियल रखकर चौकी पर रखे, जिसके सामने आटे से बने 4 मुखी दीपक में 16 बाती लगाकर घी से जलाएं। इसके उपरांत प्रथम पूजा होने के नाते मेरा पूजन आरंभ होता है। पहले मुझे स्नान करवाया जाता है, वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, सुगंध, पुष्प और अक्षत से मेरा पूजन करते समय ओम गं गणपतये नमो नमः का जप किया जाता है। टीका करने के उपरांत धूप बत्ती करें, मुझे भोग लगाएं और पीने का पानी अर्पित करें। इसके उपरांत जिस प्रकार मेरा पूजन किया जाता है, उसी प्रकार कलश और दीपक का पूजन करें। ये सब करने के उपरांत नवग्रह और 16 देवियों, जो कि माता का स्वरूप है, उनका भी उसी प्रकार पूजन करें। फिर एक थाली में पवित्र मिट्टी ले और उसे माँ मंगला गौरी की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करें और माँ मंगला गौरी का आवाहन करते हुए माँ मंगले देवी या गच्छहा या तिष्ठहा यावत पूजाम करिष्ये दावत त्वम समनिधो भवहा ये जाप करें। आवाहन पूर्ण होते ही उन्हें पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, आभूषण और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, 16 अगरबत्ती जलाएं और सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें। पूजन पूर्ण होते ही माँ की आरती करें। आरती के बाद माँ की परिक्रमा करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। ये करते हुए ओम गौर्य नमः या ओम पार्वतीय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत पूरा होने के बाद माँ मंगला गौरी पूजन का उद्यापन कब और कैसे किया जाता है बाल गणेश? माँ मंगला गौरी का उद्यापन सावन माह के शुक्ल पक्ष में 16वें मंगलवार के बाद 17वें मंगलवार को या 20वें मंगलवार के बाद 21वें मंगलवार को किया जाता है। उद्यापन पूजा 4 ब्राह्मणों द्वारा संपन्न की जाती है। इसमें 16 सुहागनों का होना आवश्यक होता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, उन्हें दान दिया जाता है। पूजा में बैठे 16 सुहागनों को 7 श्रृंगार की चीजें दी जाती हैं। पूजा करने वाली कन्या बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। इसके पश्चात किसी नदी या सागर में माँ मंगला गौरी को विसर्जित किया जाता है। बाल गणेश, क्या ये पूजा विवाहित स्त्री नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। विवाहित स्त्री यदि ये पूजा करती है तो उसका घर धन धान्य से भरा पूरा रहता है, पारिवारिक रिश्ते मधुर हो जाते हैं। तो कहो टुनाटुन, कैसी लगी तुम्हें ये पूजा? बहुत अच्छी बाल गणेश, मैं अभी जाकर माँ से कहता हूँ कि वो मेरे भविष्य में होने वाली पत्नी को ये पूजा करने के लिए कह दे, क्योंकि मैं अयोग्य नहीं सुयोग्य वर बनना चाहता हूँ। मैं अभी आया। सुनो तो टुनाटुन। Ha 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 ha